दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ऐसा हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको उसमें टाइप करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोस्तों उस कीबोर्ड का नाम है गूगल हिंदी कीबोर्ड जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर खोलना है और कोई दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना, आपको डाउनलोड करना है गूगल हिंदी कीबोर्ड। सो लेट्स ओपन द प्ले स्टोर। तो दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गूगल हिंदी कीबोर्ड सर्च कीजिए और उसे खोल लीजिए। तो दोस्तों ये ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में पहले से डाउनलोड होता है, तो अगर आप में ये डाउनलोड है तो सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आएगा, नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर दीजिए। तो फिर दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है इसे, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद वापस आपको जाना है होम स्क्रीन पर। और दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, और कहीं भी कुछ भी लिखना चाहें लाइक व्हाट्सएप, तो दोस्तों आपको साइड में ये देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, कीबोर्ड वाला बटन, आपको इसे क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेजेस, अगर नहीं आ रहा तो आपको सेटिंग में जाकर करना होगा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। दोस्तों फिलहाल इंडिक एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस का पर क्लिक करने के बाद ये वाला कुछ कीबोर्ड आएगा। तो दोस्तों इसमें हिंदी कीबोर्ड के साथ इंग्लिश कीबोर्ड भी है, तो अगर आपको हेलो लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसके आप देख सकते हैं गूगल से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी है इस कीबोर्ड की। और दोस्तों अगर आपको हिंदी का कीबोर्ड इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आ का बटन दबाएं, उसमें आपको तीन तरह कीबोर्ड मिलते हैं। पहला ये जिसमें अगर आप कुछ भी इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आपने देखा मैंने हेलो लिखा तो हिंदी हो गया। दूसरा कीबोर्ड है जो कि पूरी तरह से हिंदी है, तो अगर आप झूठा लिखना चाहते हैं तो बस आपको छा दबाना है, फिर ऊ की मात्रा, फिर ठा और फिर आ की मात्रा, तो झूठा आ जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल कीबोर्ड है। और दोस्तों जो तीसरा कीबोर्ड है वो सबसे ज़्यादा अलग है, ये स्लाइडिंग कीबोर्ड है, मतलब आप वाइट स्क्रीन पर जो भी लिखेंगे वो ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं नमस्ते लिखा है, जी हाँ एक ही मात्रा, जी हाँ, तो ये नमस्ते आ गया, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ऊपर लाइन खींचने की भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि सबको इस बारे में पता चल सके। दोस्तों हमारी पहली वीडियो थी तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए बाय।